वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सरोजिनी नगर की ट्रायम हॉल वीडियो। तो ये वीडियो बहुत टाइम से एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो आज की वीडियो में मैं फाइनली जो भी मैंने रिसेंटली परचेज किया है सरोजिनी से वो आपको वेयर करके दिखाऊंगी, उनका प्राइस बताऊंगी एंड कहाँ से आप इन चीजों को परचेज कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। इससे पहले मैं ऑलरेडी सरोजिनी नगर के 2 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ, रिसेंट वीडियो है वो। अगर आप रिसेंट कलेक्शन देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि मेरी ऐसी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच जाएंगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पे बहुत अच्छे मेकअप वीडियोस अपलोड करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट आइटम मैंने परचेज करी है ये टी शर्ट, एंड ये टी शर्ट का नेक भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर, इसका फैब्रिक, सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। ये एकदम ब्रांड न्यू टी शर्ट है जो मुझे ओनली 250 रुपीज में मिल गई थी। कई शॉप्स पे आपको एकदम ब्रांड न्यू आइटम्स मिल जाते हैं वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, तो मैंने ये इस शॉप से परचेज किया है। एंड यू कैन सी क्लियरली मेरी बॉडी के ऊपर कितना अच्छा फिटिंग आ रहा है इसका। एंड इसे मैं अभी तक 2 बार वेयर कर चुकी हूँ एंड इसे मैं 2 बार वॉश भी कर चुकी हूँ, तो यू कैन ऑलरेडी सी कि वॉश करने के बाद भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर आप ऐसी कोई टी शर्ट लेना चाहते हैं आप इस शॉप पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी टी शर्ट की बहुत अच्छी कलेक्शन मिल जाएगी। सो नेक्स्ट आइटम मैंने परचेज करी है ये चेक प्रिंट की शर्ट, एंड मेरे पास चेक प्रिंट में बहुत सारी शर्ट्स हैं बट मेरे पास ऐसा कलर कोई भी नहीं था। एंड इस टाइम मैंने ये वूलन फैब्रिक में परचेज किया है, ये आप समर में वेयर नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा वूलन टच है इसमें जो आगे के आने वाले सीजन के लिए बहुत ही ज्यादा एप्रोप्रिएट है। यू कैन ऑलरेडी सी मेरे ऊपर कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये मुझे ओनली 200 रुपीज में मिल गया। इसमें जो आप स्लीव्स फोल्ड भी कर सकते हो, तो जैसे आप इस स्लीव्स को फोल्ड भी करोगे तो इसमें आप इसे टाई कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी लगता है। अगर आप ऐसी कोई आइटम लेना चाहते हो इस शॉप पे आपको 200 रुपीज में फुल शॉप पे जीन्स मिल जाएंगे, टॉप मिल जाएंगे, ड्रेसेस मिल जाएंगे, तो आप डेफिनेटली ये शॉप जरूर चेकआउट कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैंने परचेज करी है नी लेंथ ड्रेस, और थोड़ी सी नी से ऊपर ही आती है ड्रेस। ये जो ड्रेस है जैसी मैंने इसका फैब्रिक टच किया मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, स्पेशली मैंने फैब्रिक की वजह से इसे परचेज किया। एंड जब मैंने इसे वेयर करके देखा इसकी फिटिंग बहुत ज्यादा प्रिटी आई है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी पफ स्लीव्स मिलती है जिससे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा लगता है। एंड आजकल ये बहुत ज्यादा इन भी है। फ्रंट में यहाँ पे आपको वी नेक मिलता है जिससे आपकी बॉडी, अगर आप मेरी हाइट शॉर्ट है तो मेरे को, अगर मैं वी नेक वेयर करती हूँ तो मेरी हाइट जो है थोड़ी सी इनहेंस लगती है और बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। फैब्रिक वाइज ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है और बहुत ही फ्लोई सा गिरा सा मटेरियल है। सो अगर आप इसे नॉर्मली वेयर करते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। बैक में यहाँ पे आपको जिप मिलती है जिसे इसे वेयर करना एंड उतारना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। एंड यहाँ पे आपको ऐसे टाई राउंड ये भी मिलते हैं साइड में जिससे आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको थोड़ी सी लूज है तो थोड़ा सा टाइट भी कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली ऐसी चीजें रिकमेंड करूंगी। इस शॉप पे आपको ओनली 200 रुपीज में मिल जाएगा। इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है एंड इस शॉप पे आपको सारी ऐसी ही आइटम्स मिलेंगी, तो अगर आप ड्रेस लेना चाहते हैं आप डेफिनेटली स्टोर को चेकआउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है ये टॉप, एंड ये टॉप का कलर देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें मुझे देखते ही लग गया था कि इसकी फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी आने वाली है क्योंकि स्पेशली मुझे इसमें स्क्वायर नेक मिला। फ्रंट में और बैक में दोनों में ही स्क्वायर नेक है जिससे आपकी बॉडी बहुत अच्छी लगती है। एंड आजकल स्क्वायर नेक बहुत ज्यादा इन है। ऐसा ही सेम टॉप मैंने H&M पे देखा था जो मुझे 799 का मिल रहा था। ये मुझे सरोजिनी में न्यू कलेक्शन में ओनली 200 रुपीज में मिल गया। सो अगर आप ये लेना चाहते हैं ये आप किसी भी डेनिम के साथ, शॉर्ट्स के साथ या फिर शॉर्ट स्कर्ट के साथ जरूर कैरी कर सकते हैं। इस शॉप को आप जरूर चेकआउट करना क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी आइटम्स बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाएंगी एंड इनमें कलर्स और डिजाइन भी और अवेलेबल थे। सो नेक्स्ट मैंने परचेज करी है ये डेनिम शॉर्ट स्कर्ट, एंड डेनिम की वैरायटी सरोजिनी नगर से बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। ये जो है मैंने इस शॉप से परचेज करी है एंड ओनली 100 रुपीज में मुझे मिल गई। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है, इसका फिट बहुत ज्यादा अच्छा आया है। फ्रंट में यहाँ पे 2 पॉकेट है एंड बीच में आपको जिप मिलती है एंड एकदम ब्रांड न्यू लग रही थी ये, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। एक और चीज मेंशन करूंगी, सरोजिनी नगर से मैंने जो भी आइटम परचेज करी है वो सारी पहले मैंने घर पे आके वॉश करी है एंड मैं उसके बाद आपको दिखा रही हूँ। तो ये सारी आइटम वॉश होने के बाद भी इनका कुछ भी खराब नहीं हुआ है, तो आप डेफिनेटली आइटम जरूर यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है एक ट्राउजर, एंड आज तक मैंने कभी भी ट्राउजर वेयर नहीं किया था, मैंने फर्स्ट टाइम इसको परचेज किया है एंड इसकी फिटिंग यू कैन सी कितनी ज्यादा अच्छी आई है। मैं डेफिनेटली आगे भी ट्राउजर जरूर परचेज करूंगी। इस टाइम बहुत ज्यादा इन है ट्राउजर, आप इन्हें अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल कर सकते हैं, इवन आप विंटर में जैकेट या ब्लेजर्स के साथ भी जरूर कैरी कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी लगता है। इसका जो कलर है कुछ स्काई ब्लू या पेस्टल ब्लू टाइप है, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दिस बट ये कलर पर्सनल में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बस इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है जो मुझे कट करानी पड़ेगी। बाकी ऑल ओवर इसकी फिटिंग ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए बना है क्योंकि फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी आई है। आपको डेफिनेटली शॉप ट्राई करनी चाहिए अगर आप ट्राउजर्स लेना चाहते हैं तो। अलग अलग कलर्स में, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग स्टाइल्स में एंड विथ पॉकेट भी मिल रहे थे, तो वो भी आप जरूर इस शॉप से चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग प्राइस होते हैं, इसका प्राइस था 250। अगर आप कोई और अच्छा डिजाइन लेते हैं तो 300 तक के अमाउंट में आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट मैंने परचेज किया ये बहुत ही कंफर्टेबल सा फुल स्लीव्स का टॉप एंड इसका जो फैब्रिक है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। मैंने इसे इंक ब्लू कलर में परचेज किया एंड इसमें आपको बहुत सारे कलर्स भी मिल जाएंगे। एज यू कैन सी मेरी बॉडी के ऊपर कितना अच्छा फिट आ रहा है इसका एंड ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी है क्योंकि फैब्रिक इसका बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। आपको डेफिनेटली ऐसे टॉप अगर ट्राई करने हैं तो आप इस शॉप को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। 250 रुपीज में बहुत अच्छी कलेक्शन मिल जाती है और सब कुछ डिस्प्ले किया होता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, ये शॉप बहुत अच्छी है, आपको जरूर चेकआउट करनी चाहिए। सो नेक्स्ट 3 आइटम्स मैंने वो परचेज करी हैं जो विंटर के लिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मैंने इसीलिए अब इसे परचेज कर ली। उसमें सबसे पहला है ये एक तरीके का स्वेटर एंड ये फुल स्लीव्स का है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल में है। मेरी बॉडी पे आप देख सकते हो इसकी फिटिंग कितनी ज्यादा अच्छी आई है एंड बहुत ही कोजी फिनिश देता है। आपकी बॉडी पे इतना सॉफ्ट लगता है कि आपको इसके नीचे भी कुछ वेयर करने की जरूरत नहीं है एंड बहुत ही गर्म फील कराएगा आपको। सो अगर आप विंटर के लिए ऐसी आइटम लेना चाहते हैं आप यहाँ पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इस शॉप के बाहर ये स्टॉल लगाते हैं, ओनली मुझे मिल गया 150 रुपीज में। तो यू कैन सी कितना अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया एंड वॉश करने के बाद भी इसका मटेरियल बिल्कुल वैसा का वैसा है। बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल था एंड अगर आप इसकी कलेक्शन देखना चाहते हैं तो हॉल वीडियो में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप उसमें भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आइटम मैंने परचेज करी है ये फुल स्लीव्स का वूलन टॉप एंड इस वूलन टॉप में ये कुछ व्हाइट और क्रीमिश कलर का टॉप है एंड इसके ऊपर ऐसे हॉट बने हुए ब्लैक कलर के। इसका फैब्रिक भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, फिनिश देख सकते हो, बॉडी के ऊपर फिटिंग कितनी ज्यादा अच्छी आई है, एकदम स्ट्रेचेबल मटेरियल है एंड डेफिनेटली इसमें आपको और भी कलर्स भी वहाँ पे मिल रहे थे, बट मुझे ये कलर देखते ही बहुत पसंद आया। ये स्टॉल लगा हुआ था स्टेलेटोस के एकदम बाहर एंड ओनली 100 रुपीज में मुझे ये वूलन टॉप मिल गया। वॉश करने के बाद भी बिल्कुल वैसा का वैसा है एंड बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सो नेक्स्ट मैंने स्टेलेटोस के बाहर वाले स्टॉल से ये एक और चीज परचेज करी, ये प्रॉपर वूलन में है एंड इसका जो फैब्रिक है वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल है एंड इसका जो साइज है वो थोड़ा सा ओवर साइज आता है जो बॉडी पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड आजकल ऐसी चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अगर आप ऐसा कोई स्वेटर परचेज करना चाहते हैं, लाइक वूलन टॉप में परचेज करना चाहते हैं, आप डेफिनेटली स्टॉल को जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि ओनली 100 रुपीज में इतनी बढ़िया फिटिंग। और मैं अगर किसी को ये बोलूंगी एकदम ब्रांड न्यू है तो कोई भी मान जाएगा क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वॉश करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ इसका एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप डेफिनेटली स्टॉल को जरूर चेकआउट करना क्योंकि यहाँ पे आपको वूलन वैरायटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है सरोजिनी नगर से ये बैग एंड सरोजिनी नगर में बैग की कलेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। आप मेरी पहली वाली वीडियो में भी जरूर चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने आपको सारी बैग्स की कलेक्शन दिखाई है। ये ओनली 250 रुपीज में मुझे मिल रहा था। ये एक वेस्ट बैग है जिसे आप अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। फैब्रिक वाइज, मटेरियल वाइज बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ड्यूरेबल होने वाला है। इस तरीके का यहाँ पे आपको ऐसा प्रिंट मिलता है एंड यहाँ पे आपको 2 जिप मिल रही है जो जिप की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है एंड अंदर से बहुत ज्यादा स्पेशियस है। ये मैंने परचेज किया है बिक्सी के बाहर, बिक्सी एक आउटलेट है उसके जस्ट बाहर जो शॉप लगती है वहां पे मुझे ओनली 250 रुपीज में। इसमें अलग अलग कलर्स में मिल रहे थे। सो अगर आप बैग लेना चाहते हैं आप ये वाली शॉप भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो दिस इज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस और भी अपलोड करती रहती हूँ, तो वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट कर पाएंगे। आप मेरी बाकी की वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।